बी ए बी कॉम बी एस सी और एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। आज आपका कुरिया कुटी में प्रखंड में जो आपका ये हो रहा है, चुनावी सभा हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले गुड़िया कोठी के सरजमी पर मेरे तरफ से नमन और प्रणाम। और गुड़िया कोठी सिवान का राजनीतिक केंद्र है, सारा सिवान का राजनीतिक गणित यहीं से सेट होता है। और यहाँ की जनता ने जिस तरह से हमको दिल से गले लगाया है, जिस उम्मीद से गले लगाया है, मैं उनके उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। और जितना यहाँ सम्मान मिला इसकी भरपाई नहीं कर सकते, शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया सकते। और यहाँ के तमाम समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा एक तरफा हमारे सपोर्ट में, आप देखे ही हैं, साथ में चल भी रहे हैं, सारे मीडिया वाले भी देखे हैं, हर जगह किस तरह से रुक रुक के रास्ता, हर जगह रुक रुक के स्वागत किया गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा मन में खुशी और प्रसन्नता है। कल एक खबर चल रही थी सच्चिदानंद राय को लेकर के, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं और बीजेपी से वो भी बगावती सुर अपना करके, और वो आपका समर्थन कर रहे हैं, देखिए सच्चाई है। सच्चिदानंद भाई हमारे समन भैया से है और हमारे छपरा जिला से लड़ रहे हैं। छपरा और सिवान, छपरा बड़ा भाई है, सिवान छोटा है, तो वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं और हम भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो उनका कार्यक्रम, हमारा जो घर है हम बॉर्डर पे हैं, तो हम कहीं ना कहीं छपा में भी अपना मेरा अपना प्रभाव है। तो भैया हमारे मोहम्मदपुर में आ रहे थे, उन्होंने खबर किया कि रेस हम आ रहे हैं, तो हम कहें कि आ रहे हैं, तो भैया हम भी आ रहे हैं, समझे। तो मिले, मिलने के बाद जोरदार तरीके से उन्होंने हमारा स्वागत किया, जिससे दिल बहुत खुश हुआ। एक बड़ा भाई छोटा भाई को गले लगाता है तो मन में कितनी खुशी होती है, इसका वर्णन आप खुद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और हमने सारण जिला में, जो छपरा जिला में जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, हमारे जितने भी वार्ड मुखिया बीडीसी हमारे जो सपोर्टर हैं, उनसे अपील की है कि निर्दलीय में सच्चिदानंद भाई को जिताना है। गुड़ियाकोटी प्रखंड में आप लोग हैं और आप एक साथ कई जगह बैटिंग कर रहे हैं, पढ़रिया में भी कर रहे हैं, गुड़ियाकोटी में भी कर रहे हैं, लगड़ी नबीगंज में भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इसको किस नज़र से देखा जाए? उम्र तो बुढ़ा गई बा, लेकिन बैटिंग करे में कोनो गजन नहीं है। हम लोग वही से शुरू है, कहीं सर पढ़रिया से, हाँ फेकाली भाई बने देखे टेबल छाका बाउंड्री ऊपर एक नहीं हो, हम बड़ी भाई शुरू करे से, हम क्रिकेटे से पढ़रिया में राहुल हार भाई तो आखिरी आखिरी तक लगातार रही रहा, जीता था नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहनी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं रहा कहली कि माइनॉरिटी बहुल रहल, तो ये माइनॉरिटी बहुल के जो प्रयोग कल गई का वो प्रयोग फिर मेरा कही जाएगा, वही खातिर उनका अच्छा रूपा था जो कार्ड ना खेली के वो ना कार्ड चली,
उ तो अपना रहन से तनिक गड़बड़ा गई हरावला से लोग हम हरनी थोड़े तनि एने ओने उल्टा पल्टी बोला गई कुछ बाबा लेके जगह गुटिया गई वही में तन मनी गड़बड़ा गई अमेरिका हुई है अमेरिका फाइनल हो आपकी राहुल ना रईस भाई के है राहुल ना रईस भाई के ये तो गारंटी है भाई हूँ हमारा में टाइम ना बा अभी ये तो पक्का अभी नहीं खेल था निशान राजस्थान साहब जो वादा कर रहे हैं लोगों से 100% उस वादे पे खरा उतरेंगे पक्का सब अपना बल पर होता सरकार के बल पर होता सरकार प्रतिद्वंदी वो भी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं आपके जो प्रतिद्वंदी हैं रईस खान साहब के जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं देखल नहीं के काट के हाड़ी आगे बार बार चढ़ेला देखल बा माने का भाई काट के हाड़ी बार बार ना आगे चढ़ेला के माने का भाई जनता के बुझात नहीं जनता के सब बुझाता अब ये तो जनता के ठीक बुझाता एक एगो मनोज भाई जितला लग बेर काम कर ले तो जनता जानते बा ई एक पे लड़ल पड़े लड़ला के बाद सत्ता में साथे रहो रहनी हाय ओकरा एनडीए में रहो रहनी रहो ना पूछो तो 3 साल काहे को गया हम तो पार्टी के बात नहीं करो अच्छा मेरा का हम करा के तेरा गए 3.5 साल जे करे कर पूरा ना कई अच्छा ना भाई तो लोग जवाब दी अकेले हमरा ठापा मारे के तो मार देलो रहती केकरा को के डेटे के गुरिया कुली प्रखंड में जो ये प्रोग्राम हो रहा है क्या करेंगे ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जहाँ तक ले आप बात कहे कि हमारे प्रत्याशी भाई साहब पूछ रहे थे जो वादा किया पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे ये क्लियर है इनके साथ घूमने वाले काम करने वाले व्यक्ति जब हम लोग सारे जनता को वादा अपने जीव जान से मदद करते हैं प्रयास करते हैं पूरा करने के लिए उसमें कहीं शक सुबह नहीं है इसका सरकार सर्टिफिकेट दी है सिवान जिला के आम जनता सर्टिफिकेट दे रही है तो हम उस काम को और गति से और सुविधा से बढ़ाने के लिए भाई रईस खान जी चुनाव जीत के चले जाएंगे तो उसमें और गति आ जाएगी यानी कि आपके सामाजिक कार्यों को फायदा इसमें आप लेना चाहते हैं एकदम निश्चित है कि सामाजिक देखिए कोई भी नेता बनेगा समाज की सेवा के लिए बनेगा बाकी उसका अलग तरीका हो जाता है जब वो जीत के जाता है तो व्यक्तिगत सेवा में लग जाता है बाकी हमारे रईस खान जी है हम लोग बात किए थे हम लोग इस तरह नहीं घूम रहे कि इनको वोट मांगने के लिए कि आप जीत के चले जाएंगे तो कुछ कर दीजिएगा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ये व्यक्ति पहले से भी समाज में सेवा में काम करते हैं लोग को मदद करते हैं सहयोग करते हैं शादी ब्याह से तमाम चीज़ में और उसको विस्तार रूप से आगे दायरा बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे सिवान जिले के आम जनता को कैसे आसानी से मदद कर सकते हैं उसके लिए हम लोग लगे हुए